देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैथल जिला के हल्का गोहला के जर्जर सड़कों को लेकर पिछले दो साल से आंदोलनरत संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच ने सरकार और प्रशासन को दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद आखिरकार सरकार के खिलाफ कल से मोर्चा खोल दिया था। आज संयुक्त सड़क सुरक्षा संघर्ष मंच को बार एसोसिएशन गोहला और किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया। एडवोकेट जीवन नैन ने कहा कि मंच के सदस्यों ने आपसी सहमति से शहीद उधम सिंह चौक पर क्रमिक भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, जिसमें 5 सदस्य रोजाना बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आम जनता को सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़े तो समझ जाएं कि सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन है। किसान यूनियन के हल्का प्रधान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से गोहला की सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब तो हालात ये हैं कि गड्ढों में कहीं कहीं भी सड़क दिखाई देती है। गोहला हल्के की जर्जर सड़कों के चलते रोजाना कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इन हादसों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई अपनी जान तक गंवा चुके हैं। चीका से कैथल रोड हो या चीका से भागल या खरका या अजीमगढ़ हो, सभी सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि रोजाना कोई ना कोई चोटिल होता रहता है। इन जर्जर सड़कों को लेकर मोर्चा पिछले लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है, जिसका ये तो असर हुआ कि सरकार ने सड़कों के लिए पैसा मंजूर कर दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसी बीच गोहला चीका की सड़कों की जर्जर हालत के विषय में जब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि गोहला चीका के सड़कों के लिए 225 करोड़ रुपए भिजवाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होने के बाद टेंडरिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गोहला चीका बाईपास को बनवाने की उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन यहां की जर्जर सड़कों के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतों के चलते पहले सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 20 साल में गोहला चीका की सड़कों के लिए इतना पैसा सरकार की ओर से नहीं भेजा गया जितना एक साल में ही भिजवाया गया है। भाजपा के हल्का प्रधान की ओर से विधायक पर लगाए गए आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी विषय पर मतभेद हो तो हो सकते हैं, लेकिन गोहला चीका के सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने और विकास कार्यों के लिए विधायक ने ही उनसे गुहार लगाई थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने और क्या कुछ कहा, खुद ही सुन लीजिए। गोहला चीका से हमारे संवाददाता बबल कुमार की रिपोर्ट। राजनीति इसमें कोई मतलब नहीं, ये है जो गोहला चीका हल्का की सड़कों के बारे में जो ये हमारे साथ ही बैठे हैं भूख हड़ताल पे, ये वो मैटर है। मैं भी इस विषय में इनके साथ हमदर्दी जताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी सड़क पे चलता हूँ तो सड़कों की हालत खस्ता है क्षेत्र का। उससे उसने क्या लेना गोहला से, उसका रहन सहन सारा कुछ वहाँ है। वहाँ तो वो MLA तो बना दिए इन लोगों ने और JJP से बन गया। ये जो डिपार्टमेंट है सड़कों का, ये है दुष्यंत के पास। और अचंभे की बात तो ये, मैं भी घूमता रहता हूँ कि ये सड़कें गोहला की क्यों खराब है, बाकी क्यों नहीं है। पेवा में जाओगे वो बढ़िया है, यहाँ से कानपुर में जाओगे कैथल की बढ़िया है, इधर पंजाब में जाओगे पंजाब की बढ़िया है, लेकिन गोहला के चारों तरफ चौक से जिधर भी जाओगे बुरा है। ये उन लड़कों को, उस परिवार को, एक आदमी तो उनका सरकारी नौकरी पे लिया जाए और कम से कम 20 लाख रुपया जो जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने जान गवाई इन सड़कों की बदल, इस सरकार की नाकामियों के बदल जिनकी जान गई है, उन लोगों को 20 लाख रुपये मुआवजा हर व्यक्ति को दिया जाए, ताकि पूर्ति तो होती नहीं चाहे उनको कितना मर्जी दे दो, लेकिन उनका थोड़ा घना काम चल रहा है, चल जाएगा। ये सरकार जो है ये बहरी भी है, बोली भी है, गूंगी भी है और अंधी भी है। इसको ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है और ना ये बोल सकती है। ये बिल्कुल सरकार ऐसी है, कोई टेंडर नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। यहाँ का जो विधायक है वो निकम्मा आदमी है, 90 MLA हैं इस जो विधानसभा है गोहला की, इसके 90 MLA हैं, सबसे घटिया आदमी ये MLA है गोहला का, 90 में से सबसे घटिया, इससे घटिया कोई आदमी नहीं है। हर आदमी इससे एलर्जी करता है, चाहे वो MLA है, चाहे वो अफसर है, ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, चाहे वो पब्लिक मैन है। क्यों करता है, क्योंकि इसकी बोलबानी ठीक नहीं है, उल्टा बोलता है, लोगों को गालियां देता है, जिन लोगों ने वोटें दी हैं उन लोगों को गालियां देता है। हमारे टाइम की सड़कें
2014 से पहले की सड़कें अभी तक जो बनी हुई है मंजाल है, उन पे कोई टंकी भी लगी हो, ये उस टाइम की बनी हुई है। ये अधिकार है हमारा मांगना, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर सरकार अगर ये सड़कें बनाएगी तो। आज की मैं तो इनका भाई बन के आया हूँ, मैं तो ये जो ये संघर्ष समिति है इसके साथ बैठने के लिए आया हूँ। विधायक का तो ये कहना है जी ये टेंडर हो चुका, टेंडर सॉरी नहीं हुए, पैसा आ चुका है, पैसा वो पैसा कहाँ है कहाँ नहीं हमको तो मालूम नहीं है। हमारा चढ़ूनी ग्रुप आप इनके सड़क सुरक्षा मंच के साथ है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जैसे चले पहले चले थे चलेंगे, एक हफ्ता तक हम इनको वेट करेंगे, इनका तो शायद लंबा चले, हम एक हफ्ते के बाद वेट करने के बाद अब चढ़ूनी ग्रुप हमारे पेवे से भी तालमेल हो चुका है और कैथल से भी हो चुका है। हम गाँव गाँव में हमारे हर गाँव में हमारे वर्कर हैं चढ़ूनी ग्रुप के हर गांव में, हम एक मैसेज पे सारों को इकट्ठा करके मीटिंग की जाएगी, हमारी यही है मीटिंग एक छोटी सी हो चुकी है सुबह 1 तारीख से पहले पहले, हम कि ईश्वर विधायक का घर पे ताला लगा के उसको कुरुक्षेत्र भेजने का काम करेंगे। जब वो यहाँ पे काम ही नहीं करना, उन्होंने आके यहाँ पे करना क्या है, हम उसके घर को ताला डल जाएंगे 1 तारीख से पहले पहले। ये इससे सबसे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी लोगों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अनशन पर बैठना पड़े। आप गुला हलका की बात करें तो गुला हलका में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसके ऊपर से कोई भी जो है सवारी कोई भी व्हीकल जो है आराम से गुजर सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक घर का इकलौता चिराग इसमें बुझा दिया गया, एक दंपत्ति की मौत हो गई, हमारे बार एसोसिएशन के जो प्रधान थे वो भी एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और उनको भी जो आखिर में मृत्यु का प्राप्त होना पड़ा। तो आज जो देश में अंदर जो कल्याणकारी राज्य है, सरकारों का फर्ज है कि सड़क की सुविधाएं उपलब्ध कराए, स्कूल उपलब्ध कराए, हॉस्पिटल उपलब्ध कराए, लेकिन आज़ादी के इतने दशक बाद भी अगर लोगों को भूख हड़ताल पर सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठना पड़े तो सरकार को इसके बारे में कई बार सोचना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि गुला हलका के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। जहाँ तक सड़कों का संबंध है, आपने देखा अगर सड़कों के लिए पैसा जारी किया गया तो सड़कों पर कहीं तो लगा होगा। हड़ताल पर बैठे हैं ये, सड़कों को लेकर बैठे हैं ये, सड़क सुरक्षा मंच के पर बैठे हैं सभी। तो हमारा ग्रुप भी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप भी इनको समर्थन कर रहा है। अगर सरकार कुछ हिलती है जागती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं जागती तो हम 1 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली लेकर सभी गाँव में गाँव जाकर लोगों को जगाएंगे और 1 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली लेके विधायक के कोठी के आगे धरना लगाएंगे और जिन ताला लगाएंगे। तो अगर विधायक यहाँ पे काम ही नहीं करता तो विधायक ने यहाँ पे आके करना क्या, विधायक को कुरुक्षेत्र भेजने का काम करेंगे, यहाँ पे विधायक जी का कोई काम नहीं है। लड़ रहे हैं, अगर गुला चिका की बात करें तो सभी रोड टूटे हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? तमाम सड़कों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गए और टेंडरिंग प्रोसेस पर है, और पहले तो हमारी प्राथमिकता बाईपास बनाने की थी और उसको हमने अचीव किया है। अब जो और डेवलपमेंट के कार्य थे उनको प्राथमिक तौर पर लेके गए। तो सर आपके हल्का अध्यक्ष द्वारा ही आपके विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे कि आपके विधायक द्वारा अब तक समस्या, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि कोई संगठनी बात रखे सबसे अच्छी चीज है कि हम उसको सुनते हैं। क्या कोई ऐसी बात हुई जहाँ प्रधान बदला गया हो या विधायक को कहीं बैठाया गया? ये तो पहली बार है कि उन द्वारा रखी गई समस्या को विधायक जी ने खुद मेरे आगे लाने का काम किया, चाहे वो किसान भवन की बात हो चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो। और हमने कोई कम पैसा नहीं दिया, 225 करोड़ रुपया चीका की सड़कों के विकास के लिए हमने भिजवाया है। मैं ये मानता हूँ जो 20 साल में नहीं आया वो 1 साल में यहाँ के विकास की गति का योगदान देने का काम कर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।